नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वहाँ जिंदगी के सेगमेंट मंदिर दर्शन में। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी है धूप जिंदगी, कभी है छांव, जीते हैं जिंदगी के हर एक दांव। जाने समाना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, मंदिर दर्शन के इस खास सेगमेंट में जहां वह जिंदगी की टीम पहुंची हुई है राजस्थान। राजस्थान के कई क्षेत्रों के मंदिरों के दर्शन हम आपको करा चुके हैं और आज के इस एपिसोड में भी हम राजस्थान के और कई मंदिरों के दर्शन करेंगे। राजस्थान राज्य हम सभी के दिल से बेहद करीब है क्योंकि हम सभी वहीं से आए हुए हैं, हमारे पूर्वज वहीं के हैं। तो चलिए मैं आज आपको आप ही के प्रदेश के मंदिरों के दर्शन कराती हूँ और जिन मंदिरों के दर्शन आज आप करने वाले हैं उनके नाम इस प्रकार है। श्री नेमीनाथ जी सांवला जी आमेर, श्री नसिया कीर्ति स्तंभ आमेर, श्री यति यशोदानंद जी जयपुर, श्री दिगंबर जैन मंदिर दुजोद। श्री नेमीनाथ जी सांवला जी के इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर श्री नेमीनाथ जी सांवला आमेर। वह जिंदगी की टीम मंदिर दर्शन के क्रम में पहुंची जयपुर के एक ऐतिहासिक स्थल आमेर में, जहां एक तरफ न केवल पहाड़ियों पर विश्व प्रसिद्ध आमेर का किला है, वहीं स्थित है एक प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर। तो चलिए मंदिर के दर्शन के साथ ही साथ मंदिर की ऐतिहासिकता से हम और आप परिचित होते हैं। मैं सबिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ बहा जिंदगी की बहुत चर्चित कार्यक्रम मंदिर दर्शन में। अनंत अनंत पुण्य उदय से जीव को जीन पुल जीन दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। जीवन में सुख शांति समृद्धि की स्थापना के लिए मंदिर दर्शन का महत्व विशेष माना जाता है और इसी क्रम में वहा जिंदगी की टीम पहुंची है जयपुर में आमेर इलाके में पहाड़ी पर निर्मित श्री दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन कराने, जिसको दिगंबर जैन मंदिर नेमीनाथ सांवला जी आमेर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमारी टीम विस्मित हो गई। हमारी नजरों के सामने था एक ऐसा मंदिर जिसकी कणकण में खूबसूरती विद्यमान है। मंदिर के हर कण कण की नक्काशियों को देखकर ऐसा एहसास हुआ कि हम स्वर्ण कालीन इतिहास में पहुंच गए हैं। आज मैं इस मंदिर में आई, मंदिर के अंदर नक्काशी को देख मन प्रसन्न हो उठा। इस मंदिर के नक्काशी के बारे में बताइए। इस मंदिर की जो नक्काशी है ये अपने आप में अभूतपूर्व है। हमने जब इसको मंदिर को 94-95 में पूरा मंदिर लाइम वॉश से 3-3 इंच मोटा ढका हुआ था, बाद एक के बाद एक उसकी परतें चढ़ती गई थी। जब हमने इसको चेक किया तो पता लगा अंदर बिल्कुल बहुत बढ़िया नक्काशी की हुई है। इसको साफ़ करने में हमें 3 साल लगे और आज जिस रूप में आप देख रहे हैं इस मंदिर को, इसकी जो ये पत्थर है कि जयपुर के पास ही धनुका माइंस का पत्थर है जो अब अवेलेबल नहीं है। इसका पूरा इसके परिक्रमा खोली गई, फिर 2500वें निर्वाण उत्सव के अंदर केंद्र सरकार ने 60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की, इसकी परिक्रमा भी नहीं थी, इसको हमने उस समय खोला।
मंदिर की मूल वेदी पर विराजित प्रतिमा इतनी अलौकिक है कि प्रतिमा के मुखमंडल का तेज देखते ही बनता है। पहाड़ियों पे बने ये भव्य जैन मंदिर जिसकी शोभा देखते ही भक्तों का मन प्रसन्न हो जाता है और यही कारण है दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आ जाते हैं। इस मंदिर का इतिहास बताइए। दिगंबर जैन मंदिर नेमिनाथ जी सांवला जी आमेर में स्थित है। इस मंदिर की मूल नायक प्रतिमा भगवान नेमिनाथ की है, जो पाषाण उसका सांवले रंग का है। 1120 के अंदर प्रतिष्ठित हुई थी प्रतिमा, बहुत मनोज की प्रतिमा है। 1594 ईस्वी में यहाँ पर एक ग्रंथ की रचना हुई थी, उससे ये मालूम पड़ता है कि ये मंदिर उस समय था। और उसके बाद में ये यहाँ पर कुछ 4000 से ज़्यादा हस्तलिखित ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को भी यहाँ से जयपुर ले जाया गया, हमारे जैन विद्या संस्थान है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। वो ग्रंथ भी हस्तलिखित थे और इसके सांवला रंग होने की वजह से इस प्रतिमा का सांवला जी के नाम से विख्यात है। इस मंदिर में मूल नायक भगवान नेमिनाथ जी के अलावा और कितने प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर में मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान के अतिरिक्त निज मंदिर में 28 प्रतिमाएं अभी विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक तलघर भी है जिसे कोई मुनिराज या आचार्य जो पधारते हैं उस समय उनके सानिध्य में वो ही इसको दर्शनार्थ लोगों के निकालते हैं और निश्चित समय के पश्चात पुनः विराजमान वहाँ पे करते हैं। उसमें लगभग 150 प्रतिमाएं हैं छोटी बड़ी, और उसके अतिरिक्त काफ़ी संख्या में बड़े बड़े यंत्र उसमें हैं जो दर्शनार्थियों के लिए तभी निकाले जाते हैं जब मुनिराज आचार्य कोई पधारते हैं। भक्तों के अनुसार ये मंदिर इतना चमत्कारी है कि उन्होंने कई चमत्कार महसूस किए। समय समय पर मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों को धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर से भक्तों का रुझान इतना है कि यहाँ रहने वाले जैन परिवार इस मंदिर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। नेमिनाथ सांवला जी मंदिर जो जयपुर से कुछ दूर में स्थित है, इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? यहाँ आमेर में लगभग 8 मंदिर है और सबसे पुराना जैन मंदिर सांवला जी का है। 1594 ईस्वी से पहले ये निर्मित है, ऐसे साक्ष्य यहाँ प्राप्त हैं। यहाँ पे पुराने समय में करीबन 150-200 जैन परिवार रहते थे, इस समय लगभग 5-7 परिवार यहाँ आमेर में रहते हैं। और जयपुर के जैन परिवार सभी परिवार अधिकतर परिवार यहाँ सांवला जी के इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। इस मंदिर से संलग्न एक विशाल थिएटर और एक धर्मशाला का भी निर्माण किया गया है। मंदिर का अपना एक रथ भी हमें देखने को मिला, साथ ही साथ शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए एक विशाल कुआं भी निर्मित है। मंदिर परिसर काफी विराट है, जहां पहुंचकर शांति का एहसास हुआ। अतिशयकारी मंदिर होने की वजह से भक्तों का रुझान इस मंदिर के प्रति अपार है। जो इस मंदिर से जुड़ गया मानो उसने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर ली। क्या इस मंदिर में कुछ अतिशय हुआ है? इस मंदिर में इतने अतिशय हुए हैं कि आज जयपुर शहर के श्रावक श्राविकाएं सारे जन मोक्ष कल्याण के दिन यहाँ पधार कर मोक्ष कल्याण मनाते हैं और यहाँ से बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। सभी लोग आज इस अतिशय कारण सब सुख समृद्धि और सद्भावना से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस फिल्म के द्वारा इस मंदिर के दर्शन करने के बाद निश्चित ही आपने आमेर स्थित इस मनमोहक और प्राचीन मंदिर के दर्शन के लिए यहां आने की योजना बना ली होगी। तो आज यहां आने का कार्यक्रम बनाइए और मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। नसिया कीर्ति स्तंभ के इस मंदिर के पुण्यार्जक हैं दिगंबर जैन नसिया कीर्ति स्तंभ आमेर। आमेर के सांवला जी जैन मंदिर के दर्शन करने के बाद वह जिंदगी की टीम पहुंची एक और प्राचीन और ऐतिहासिक जैन मंदिर जिसका नाम है दिगंबर जैन नसिया कीर्ति स्तंभ।
आप लगातार मेरे साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के छोटे बड़े जैन मंदिरों के दर्शन करते हुए आ रहे हैं। आज मैं आपको एक और मंदिर के दर्शन करने जा रही हूँ जो अमेर में ही स्थित है और वो है दिगंबर जैन नसिया कीर्ति स्तंभ। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर परिसर काफी विराट है। मंदिर के बाहर जिधर भी नजर जाती है हरियाली और प्राकृतिक माहौल देखकर एक सुकून सा प्राप्त होता है। यही वजह है कि इस परिसर में अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए दूर दराज से काफी परिवार यहां आते हैं और आयोजन के साथ ही साथ मंदिर के दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित करते हैं। दिगंबर जैन कीर्ति स्तंभ नसिया के बारे में बताइए। कीर्ति स्तंभ की यह नसिया जयपुर से लगभग 9 किलोमीटर है तथा आमेर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ लोग बाग आगे शादी ब्याह भी करते हैं, रुकने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है और इतनी सुंदर जगह है कि यहाँ आने के बाद लोगों का मन ऐसा लगता है कि लोग यहीं रुकने की इच्छा करते हैं और बहुत चमत्कारी जगह है। इस मंदिर से जुड़े समाज द्वारा पर्यावरण के साथ ही साथ स्वच्छता का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। मंदिर के अंदर प्रवेश कर हमने मूल वेदी पर विराजित भगवान के दर्शन किए। इस मंदिर का विशेषता बताइए। यह मंदिर श्री दिगंबर जैन नसिया कीर्ति स्तंभ है जिसे थंब की नसिया के नाम से जयपुर के लोग जानते हैं। यहाँ पर विमलनाथ भगवान मूल नायक हैं, उनका समय समय पर जो मोक्ष कल्याणक और जन्म कल्याणक होता है वो हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 24 तीर्थंकर जो हमारे हुए हैं उनके जो केवल ज्ञान के वृक्ष हैं वो सब भी यहाँ लगाए गए हैं। उसके अतिरिक्त पीछे आम, आंवला, नीम, अर्जुन की छाल आदि औषधियों के रूप में जो काम आती है उन सब के भी वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं वे कोई अपनी मनोकामना जो लेकर मन में आते हैं मांगते नहीं हैं, वो स्वतः ही यहाँ आते ही दर्शनार्थ भगवान का जब विमलनाथ भगवान के दर्शन करते हैं तो वह स्वतः ही पूरी हो जाती है और समय समय पर लोग यहाँ पर आकर अपना कल्याण का आत्मकल्याण की भावना बाते हैं। मंदिर के अंदर एक वेदी पर नसिया कीर्ति स्तंभ की भी रचना देखने को मिली। आमेर में निर्मित दिगंबर जैन नसिया कीर्ति स्तंभ, इसका इतिहास बताइए। दिगंबर जैन नसिया कीर्ति स्तंभ आमेर के खोर दरवाजे पर स्थित है। संवत 1678 के अंदर बनी थी। इसमें मूल नायक प्रतिमा भगवान विमलनाथ की है, श्वेत पाषाण की पद्मासन, जो कि 1642 में प्रतिष्ठित है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसा स्मारक बना हुआ है स्तंभ जो कि भट्टारकों का है। संवत 4 से लेकर के 1881 तक के जो भट्टारक हुए मूल संघ के उनका बना हुआ है। 12.5 फुट ये ऊँचा है, मकराने का है, 4 फुट 7 इंच की चौड़ाई है। इसमें 10 भाग हैं और 10 भागों के अंदर 2 भागों के अंदर भट्टारकों की खड़गासन या पद्मासन प्रतिमाएं इसके अंदर उत्कीर्ण हैं, उनके संबंध का उल्लेख है। और एक जो खड़गासन भट्टारक हैं उनके हाथ में कमंडलू भी है। इससे ये भी प्रमाणित होता है कि भट्टारक लोग भी पहले नग्न ही रहते थे। यहाँ पर एक विशाल प्रवचन हॉल और यात्रियों के रहने के लिए एक धर्मशाला भी है जो आधुनिक सुख सुविधाएं से परिपूर्ण है। यात्रियों के लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं? यात्रियों के अलावा सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ मुनि संघ आर्य का संघ की साधना के लिए बहुत अच्छा स्थान है। मुनि संघ आर्य का संघ आके रुकते हैं। और दूसरा, यात्रियों के लिए यहाँ बहुत अच्छी आवास व्यवस्था है और कम 500 आदमियों के खाने की पूरे बर्तन पूरी सामग्री यहाँ उपलब्ध रहती है और भोजन व्यवस्था आवास व्यवस्था प्रॉपर है। और दूसरा, इसमें खास बात है कि यहाँ 4 छतरी बनी हुई है जो 4 भट्टारक जी यहाँ से समाधि हुई उनकी आकर्षक छतरियाँ बनी हुई है। अगर अभी तक आपने इस प्राचीन
नसिया कीर्ति स्तंभ मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज यहां आकर स्वयं दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी ने जैन रत्न के नाम से 10 एपिसोड्स की एक श्रृंखला पिछले साल पारस टीवी पर प्रसारित की थी, जिसमें ऐसे 40 जैन प्रतिभाओं से आपको परिचित कराया गया था जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाई बल्कि समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सैकड़ों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 और 2 की शूटिंग के लिए अभी तक हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा करीब 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा की। हमारी टीम देश के कोने कोने में गई। अब जैन रत्न सीजन 2 का प्रसारण शुरू हो चुका है। जैन रत्न सीजन 2 में शामिल हो रहे हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों के कई जैन रत्न। आइए मिलते हैं इन जैन रत्नों से। दलवीर भंडारी दिल्ली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विश्व अदालत के मात्र 15 जजों में से एक भारतीय जज। सुदीप जैन IAS दिल्ली भारतीय लोकतंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले चुनाव आयोग के ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर। विजय डरडा मुंबई चेयरमैन लोकमत समाचार पत्र ग्रुप, मराठी भाषा में करीब 3 करोड़ लोगों द्वारा पढ़े जाने वाला अखबार। सुभाष रुनवाल मुंबई भारत की प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनी रुनवाल ग्रुप के चेयरमैन और जीतो संस्था के भीष्म पितामह भी। अमिताभ जैन IAS चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, प्रदेश के साथ ही साथ समाज के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। किशोर खाब्या और डॉक्टर उषा खाब्या मुंबई, पति पत्नी के इस जोड़े ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण निर्माण आदि क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए हैं। भरत मोदी इंदौर संघर्ष कर अद्भुत सफलता पाई और सामाजिक, शैक्षणिक और परोपकार के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहे हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई भारत की प्रसिद्ध और विशाल रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा ग्रुप के चेयरमैन और मालाबार हिल्स मुंबई के विधायक। गुलाब चंद कटारिया जयपुर राजस्थान के भूतपूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता जिन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। गजराज गंगवाल दिल्ली श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्र अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति। योगेंद्र सेठी इंदौर विश्व विख्यात पेंटर जिन्होंने अत्याधुनिक जैन पेंटिंग की परंपरा विकसित की। प्रदीप जैन आगरा भारत के सर्वोच्च इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी PNC इंफ्राटेक के चेयरमैन जिन्होंने कई एयरपोर्ट और कई हाईवे निर्मित किए। कुलदीप राका जयपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव जिन्होंने समाज और प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव जैन IAS दिल्ली एडिशनल डायरेक्टर जनरल PR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और कई मंत्रालय के प्रवक्ता। शैलेश लोढ़ा मुंबई तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवं अन्य धारावाहिकों में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश के प्रख्यात कवि। विनोद जैन बिलासपुर छत्तीसगढ़ देश के सर्वोच्च कोला उद्योगपति, साथ ही साथ इनके नेतृत्व में डेंटल कॉलेज एवं कई संस्थानें भी चल रही हैं। विभू बेनाड़ा आगरा ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली देश की प्रसिद्ध कंपनी बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड के MD। दिनेश कुमार जैन दिल्ली रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र और लोकपाल के सदस्य। विनोद जैन रायपुर प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ ही साथ जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। DK जैन बिलासपुर छत्तीसगढ़ एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में समाज और धर्म के लिए अनेक कार्य किए हैं। अतुल सेठी इंदौर हृदय रोग में काम आने वाले एशिया के एकमात्र पेसमेकर निर्माता। सतीश आर शाह मुंबई हीरा आभूषणों में भारत के सबसे बड़े और सर्वोच्च निर्यातक। निर्मल मोठिया भारत में चांदी के आभूषण बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी जैन पायल के चेयरमैन। महावीर सिंह VIFS दिल्ली ज्वाइंट सेक्रेटरी आतंकवाद विरोधी विभाग विदेश मंत्रालय भारत सरकार। डॉक्टर कुमार चटर्जी मुंबई विश्व विख्यात जैन भजन गायक। इस पति पत्नी के जोड़े ने कई साल पूर्व जैन धर्म को अपना लिया। सुरभि पांड्या न्यूयॉर्क इंदौर की बेटी जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से विश्व में अपना स्थान बनाया।
देशना जैन टीकमगढ़ जन्म से मुख बधिर पर अपने हौसले से मिस जेफ एशिया बनी। अगर आप भी किसी ऐसे जैन व्यक्तित्व को जानते हैं जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि जैसे उच्च सरकारी पदों पर हैं, या डॉक्टर, वैज्ञानिक, न्याय, शिक्षा, कॉरपोरेट, उद्योग व्यवसाय, राजनीति, खेल, गायन, अभिनय, फिल्म आदि कला क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीजन 3 के द्वारा पारस टीवी पर जल्द ही प्रसारित करेगी। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सबिता जैन 9038348983 पर। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वही 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉरपोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। ब्रेक के उस पार मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मंदिरों के दर्शन करते हैं। श्री यति यशोदानंद जी के इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर यति यशोदानंद जी, चौड़ा रास्ता, जयपुर। मंदिर दर्शन के द्वारा आप अनेकों जैन मंदिरों के दर्शन करते हैं, जिनमें कई मंदिर अति प्राचीन हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है जयपुर शहर के बीचों बीच स्थित यति यशोदानंद दिगंबर जैन मंदिर। आप मेरे साथ लगातार प्राचीन दिगंबर जैन मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं और अब आप मेरे साथ दर्शन करेंगे प्राचीन जैन मंदिर के, और उस मंदिर का नाम है जयपुर में स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर यशोदानंद जी। इस मंदिर के बाहर एक ही पात्र में शेर और गाय पानी पीते नजर आ रहे हैं, जो महावीर भगवान के दिव्य संदेश को परिलक्षित करते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। ये जयपुर शहर का अतिशयकारी करीब 150 साल पुराना अति प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर कलात्मक दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत है। संपूर्ण मंदिर में कांच की अद्भुत कारीगरी देखने को मिली। यही वजह है कि सिर्फ जयपुर ही नहीं
बल्कि दूर दराज के शहरों में भी ये मंदिर विख्यात है। हर मंदिर में कुछ न कुछ इतिहास होता है, इस मंदिर के क्या इतिहास? मैडम, ये मंदिर बहुत पुराना है। सन 1861 में ये मंदिर बना था और यहाँ पर जो पांडुलिपियाँ संरक्षित है वो सन 1861 की है, 1829 की है, 1851 की है। बहुत पुराना प्राचीन और ग्रंथों का यहाँ पर संग्रह है। हमने मूल वेदी पर विराजित भगवान के एवं मंदिर में स्थापित अति कई प्राचीन मूर्तियों के दर्शन भी किए। इस मंदिर में मूल नायक भगवान कौन सी है और कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की मूल नायक भगवान है और इसके अलावा इसमें 14 वेदियां हैं जिनमें 216 धातु और पाषाण की मिलके प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा यहां पर चक्रेश्वरी देवी, पद्मावती देवी और क्षेत्रपाल जी की भी प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में आदिनाथ भगवान का मंदिर है और 1232 की वाल की पार्श्वनाथ भगवान की पुरानी प्राचीन मूर्ति है। इस मंदिर की विशेषताएँ क्या है और इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से अभी 114 परिवार ही केवल जुड़े हुए हैं। ये मंदिर समाज का एक वह मंदिर है जो पूरे समाज को जोड़ने का भी कार्य कर रहा है। इस मंदिर से कुछ संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं जो समाज में जागृति का काम भी कर रही हैं। पहला है यहाँ पे विद्युत मोक्षधाम जो अपने जैन समाज उसको संचालित कर रहा है। इस मंदिर का नाम यति यशोदानंद क्यों पड़ा, इसके पीछे का कारण भी हमें जानने को मिला। इस मंदिर से प्राचीन यशोदानंद का मंदिर है। उसके जो यति जी होते थे उनके और इस मंदिर को जिन्होंने बनाया हमारे पूर्वजों दादाजी ने, वो उनकी दोस्ती थी। उन्होंने राय दी कि इस जगह पे आप जैन मंदिर बना सकते हैं। उस राय के पीछे ही उन दादाजी ने हमारे इसका नाम यति यशोदानंद रखा। महिलाओं द्वारा एक महिला मंडल भी संचालित है जिसके तहत कई धार्मिक और सामाजिक कार्य किए जाते हैं एवं इन्हीं के द्वारा एक चिकित्सालय भी चलाया जा रहा है। आप सब महिलाओं का इस मंदिर में क्या योगदान है? हमने एक स्नेहिल वनिता संघ महिला मंडल बना रखा है। समय समय पर परिस्थिति अनुसार यदि हमारे पास में कोई गरीब विद्यार्थी आते हैं तो हम सब मिलकर के मंदिर परिवार उनकी मदद करते हैं। और समय समय पर जैसे अभी कोविड में फूड पैकेट्स वगैरह बंटवाने का काम हम लोगों ने किया। कुछ टाइम पहले ही बठारक जी की नशा में आई कैंप भी लगाया था, उसमें काफ़ी लोगों ने अपना स्वास्थ्य का और आँखों का सही ऑपरेशन करके उन्होंने फायदा उठाया है। इस मंदिर से जुड़ी एक लाइब्रेरी भी है जिसके द्वारा जैन धर्मावलंबी धर्म लाभ अर्जित करते हैं। आप इस मंदिर के सबसे बुजुर्ग हो और इस मंदिर से आप काफी साल से जुड़े हैं, इस मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए। यहाँ पे 60 साल पहले इस मंदिर का काम चलाया मैंने, तो हमने ये सोच के काम चलाया कि जयपुर में जैन मंदिर बाजार में एक ही है, क्यों नहीं इसको बहुत बढ़िया पुरातत्व दिया जाए। तो इसका एलिवेशन बिल्कुल तोड़कर और बनाया गया है। ये बाजार में इसका मुख्य द्वार वाद बनाया, पहले इसका द्वार गली में से था। इस मंदिर के दर्शन कर हमने तो धर्म लाभ अर्जित कर लिया, अब बारी है आपकी। आज ही जयपुर आइए और इस अतिशयकारी यति यशोदानंद मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। दुजोत के इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सेठी, श्रीमती कलकत्ती देवी, श्री विनोद जी, श्रीमती सरला जी, दिशा, तनीषा, दिलासा, विश्वास सेठी एवं समस्त सेठी परिवार इम्फाल। वह जिंदगी आपको मंदिर दर्शन के क्रम में कई जैन मंदिरों के दर्शन घर बैठे कराता आया है और हम इसी तरह निरंतर आपको अनेकों जैन मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। इसी क्रम में एक और मंदिर जुड़ गया है
जो है राजस्थान के सीकर जिला में स्थित दुजोत का दिगंबर जैन मंदिर। आइए मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव लेके चल रही हूँ जहाँ के मिट्टी में बास्केटबॉल रस्ता बसता है। यहाँ के हर घर में बास्केटबॉल खिलाड़ी मौजूद है। यहाँ के लोगों के सुबह शुरुआत होती है बास्केटबॉल के साथ और सांझ ढलती है बास्केटबॉल के साथ। और वो गांव है राजस्थान में स्थित सीकर जिला के दुजोत, जहां मैं आपको दर्शन कराऊंगी भव्य अतिशयकारी श्री दिगंबर जैन मंदिर के। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। मंदिर बहुत ही विशाल है। मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरती अंदर भी विद्यमान है। इस मंदिर का इतिहास बताइए। इस मंदिर का निर्माण 1948 में स्वर्गीय श्री जानकी लाल जी छाबड़ा सीकर निवासी ने बनवाया था। ये बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर है। उनका कलकत्ता में व्यापार था और वहाँ से उनको जैसे भी पैदा हुई यहाँ पे लगाया। खूब बहुत भव्य मंदिर बनवाया उन्होंने, तन मन से खूब बढ़िया बनवाया। पंचकल्याणक कब हुआ? पंचकल्याणक करीब 72 में हुआ। हालांकि मेरे दादाजी सिर्फ सूत्रधार थे, बाकी कर्ता धर्ता यहाँ समाज के जितने भी बुजुर्ग थे उनका सहयोग और उनकी भक्ति भावना से ही ये सब संभव हो पाया। मूल वेदी पर विराजित भगवान के मुखमंडल पर इतना तेज था कि हम प्रतिमा को देखते ही रहे। इस मंदिर के मूल नायक भगवान कौन से हैं? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर जी में मूल नायक भगवान श्री महावीर स्वामी जी हैं और इसके अलावा 4 प्रतिमाएं हैं जिसमें वासपूज्य भगवान, शांतिनाथ भगवान और 24 भगवान और पद्म प्रभु भगवान है। यहाँ से जुड़े कई जैन परिवार व्यवसाय के सिलसिले में बाहर चले गए हैं, लेकिन उन सभी का रुझान आज भी इस मंदिर के प्रति अपार है। वे आज भी समय समय पर इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से फिलहाल दुजोत में 4 परिवार है, सीकर भी परिवार बसे हुए हैं और इसके अलावा सूरत, बम्बई, भिलाई, दिमापुर, जोरहाट, गोलाघाट, नलबाड़ी, सिलचर, विजयनगर और जगह जगह है, रांची है। इसके अलावा सब जगह से जुड़े हुए परिवार है। आज भी महावीर भगवान के जो भी प्रोग्राम होता है तो वो सब परिवार सहित यहाँ पे आते हैं। मात्र 4 जैन परिवारों वाले दुजोत जैसे छोटे से क्षेत्र में पहुंचकर वह जिंदगी की टीम आश्चर्यचकित रह गई। मंदिर परिसर में जहां एक तरफ एक विशाल और गगनचुंबी मानस्तंभ हमें देखने को मिला, वहीं एक धर्मशाला होने के बावजूद एक और आधुनिक सुख सुविधा से युक्त विशाल अतिथि भवन का निर्माण भी किया गया है, जिसे देखकर हमें बहुत खुशी हुई कि दुजोत छोड़कर बाहर व्यवसाय के लिए निकले हुए व्यवसायियों ने संपन्न होकर अपनी मातृभूमि के विकास के लिए सराहनीय कार्य किया है। इस मंदिर का विशेषता क्या है? यहाँ महावीर भगवान की पद्मासन प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा आपको आसपास के क्षेत्रों में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एक बार दुजोत मंदिर के दर्शन जरूर करिए, फिर आपको अपने आप इसकी विशेषता का पता चल जाएगा। इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे भक्त हैं जिनका रुझान इस मंदिर के प्रति बचपन से है। आप अपना भावना बताइए। जब से मैं पैदा हुआ हूँ इस मंदिर के दर्शन और इस मंदिर की महिमा सुनता आ रहा हूँ। सारे दुजोत निवासी हैं वो इतने अभिभूत हैं कि यहाँ पर आने की भावना हर पल रहती है। हमें बताया गया कि यहाँ पर एक और मंदिर है जो काफी प्रसिद्ध है। दुजोत में एक और मंदिर है, उस मंदिर के बारे में बताइए। वह प्राचीन मंदिर है, चंद्रपुर गांव मूल लाइक विराजमान है। उसका अभी जीर्णोद्धार भी हुआ था, उसको नए रूप में दिया गया है। उसकी बहुत मान्यता है चंद्रपुर भगवान की और महावीर भगवान के यहाँ बहुत मान्य पूजा जाता है। हर कार्यक्रम में यहाँ चंद्रपुर भगवान और महावीर भगवान का उच्चारण किया जाता है। समाज से जुड़ी महिलाएं धार्मिक कार्यों के साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी पूर्ण रूप से समर्पित हैं। आप सब महिलाएं सिर्फ धर्म से ही जुड़ी हैं या कुछ सामाजिक अन्य कार्य भी करती हैं? धर्म के साथ साथ हम सामाजिक कार्य करते हैं। गौशालों में जाते हैं, अनाथालयों में जाते हैं, डिस्पेंसरी में योगदान देते हैं। मंदिर में आप सब महिलाओं का क्या योगदान है? दुजोत जैन मंदिर में हमारी समाज की ओर से मतलब औसत दान, शास्त्र दान
और अनाथ आश्रम में और सभी जगह हमारा पूरा सहयोग है और योगदान पूरा है। यहाँ पर हमारी टीम का स्वागत किया गया जिससे हमें काफी खुशी महसूस हुई। दुजोत के इस मंदिर के दर्शन कर जहाँ हम खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे थे, वही हमारी टीम को इस बात का गर्व महसूस हो रहा था कि हमारे इस कार्यक्रम मंदिर दर्शन के द्वारा आप सभी जैन धर्मावलंबियों की जिंदगी बन रही है वह जिंदगी। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज आपने इन मंदिरों के दर्शन किए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको एक खुशी की अनुभूति हुई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और अब आपसे मुलाकात करूँगी वह जिंदगी के अगले नए एपिसोड में एक नए सेगमेंट में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।